Hello, friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today in this particular video, we will be discussing about GST. What is goods and services tax? What is GST? When GST was introduced in India? What are different components of GST? All these we will discuss here. So, let's start firstly, we need to know that gst. gst stands for goods and services. it means the tax which is levied on the goods and the services. what tax? goods or services pay the that is gst. but before going ahead, firstly, we need to know that what is tax? in simple words, we can say that tax is the income of government. this is the revenue of government that government utilizes for the public welfare. that government utilizes for the public health. टैक्स क्या है टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू है जो कि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के लिए यूटिलाइज करती है एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स इट मीन्स वैन द बर्डन ऑफ टैक्स वी कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन द पर्सन हु हैज अर्नड दैट इनकम ओनली दैट पर्सन विल पे टैक्स जिस पर्सन ने इनकम अर्न की है वही पर्सन टैक्स पे करेगा वो अपनी टैक्स टैक्स की लाइबिलिटी को किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स

सकता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इट इज इट इज लिवाइड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी नीड टू रिमेंबर लाइक फॉर एग्जांपल जीएसटी जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस टैक्स बिफोर जीएसटी वी हैड सर्विस टैक्स वैट सीएसटी एक्साइज कस्टम ड्यूटी ऑल दीज टैक्स वर देयर बट नाउ ऑल दीज टैक्स हैव बीन रिमूव्ड सर्विस टैक्स मीन्स द टैक्स दैट वी पे ऑन दीज सर्विसेज लाइक सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज वाटर सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विसेज जिन सर्विसेज पे हम टैक्स देते थे वो होता था सर्विस टैक्स वैट एंड सी एस टी वाल लिवाइड ऑन दी सेल ऑफ गुड्स सेल्स पे जो टैक्स लगता था उस पर हम वैट एंड सी एस टी सेल ऑफ़ गुड्स ओनली सेल ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता था उस पर हम वैट एंड सी एस टी देते थे एक्साइज टैक्स हम मैन्युफैक्चरिंग पे देते थे विद इन दी कंट्री इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग और कस्टम ड्यूटी वल लिवाइड ऑन दी इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी देते थे बट नाउ

टैक्स एप्लीकेबल है दैट इज जीएसटी फॉर वन नेशन वन टैक्स इज देअप And it is applicable on the supply of goods and services. This supply word is very important because taxable event under GST is supply. If there is no supply, no GST will be applicable. So it is applicable on the supply of goods and supply of services. So we need to understand the difference between goods and services. If we talk about the goods, goods ka matlab hota hai the things that we can test, the things that we can see, that uh, we can move here and there. Like for example, mobile phones, laptops, stationery, pen, paper. पेंसिल एंड क्लोथ्स ऑल दीज आर गुड्स एंड इफ वी टॉक अबाउट सर्विसेज, ऑल दी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड गुड्स गुड्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो सर्विसेज हो सकती हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेस्टोरेंट वाटर सप्लाई टेलीकॉम सर्विसेज ऑल दीज आर सर्विसेज हाउ जी एस टी इज एप्लीकेबल क्वेश्चन हयर इज हाउ जी एस टी इज एप्लीकेबल सो वी हैव प्रोसेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जी एस टी बिकॉज एज यू नो दैट जी एस टी इज एंड इन डायरेक्ट टैक्स इट मीनस द परसन हू इज द अल्टीमेट टैक्स पेयर ही कैन नॉट डायरेक्टली पे टैक्स टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज द टैक्स कलेक्टर सो गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्टली लिवाई द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स वो डायरेक्टली नहीं करती इसका मतलब कस्टमर्स डायरेक्टली पे नहीं करते बल्कि इन डायरेक्ट वे है एक प्रोसेस है थ्रू विच कस्टमर

So who is the ultimate consumer?

The government. Now, here in this case, because this is the channel of distribution, here in this case, who is the tax collector? Government is the tax collector. Who are the taxpayers? Customers are the taxpayers, but government here in this case cannot directly collect tax from the customers. Government will have to follow this process to collect tax from the customer, especially in case of goods. So, this is the process of indirect tax. So, in this way, GST is applicable and GST is an इनडायरेक्ट टैक्स नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैलकुलेट जीएसटी हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सो आई हैव अनदर एग्जांपल like, for example, producer is there, means manufacturer is there. for the producer, the cost of material is rupees 500, and on this 500, he added some value, added profit, and other costs like, for example, 500. so for him, the cost of production will be Rs. 1,000 rupees, and in this, he will add some tax before selling it into the market. so he will add, suppose, for example, tax rate is 10%, tax rate, kitna hai, 10%, the producer, 10%. टैक्स ऐड करेगा वो किस पे ऐड करेगा वन थाउजेंड रुपीज पे नहीं ऐड करेगा बल्कि फाइव हंड्रेड रुपीज पे ऐड करेगा बिकॉज जीएसटी हैज सम फीचर्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स के कुछ फीचर्स हैं जीएसटी में वी कैन नॉट लेवाई टैक्स ऑन टैक्स इन जीएसटी हम जीएसटी पे टैक्स ऑन टैक्स लेवाई नहीं करते हैं बल्कि हम जीएसटी पे क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू एडेड पे हम टैक्स लेवाई करते हैं सो जी एस टी हैज सम फीचर्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स सो हियर फॉर प्रोड्यूसर द प्राइज़ विल बी वन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज नाउ प्रोड्यूसर विल सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग विल बी वन थाउजेंड

तो हंड्रेड रुपीज़ का टेन टेन परसेंट एड हुआ नाउ डिस्ट्रीब्यूटर्स दे विल सेल गुड्स टू दी होल सेलर तो होल सेलर के लिए गुड्स की प्राइस कितनी होगी इलेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ ऑन दिस इलेवन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ ही विल एड हिज प्रॉफिट लाइक फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज़ एंड सो द टोटल प्राइस फॉर दी होल सेलर विल बी ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ प्लस ही विल एड Tax tax on what? Tax on 100 rupees. Now, for the wholesalers, wholesaler will transfer goods to the, to the retailers for 1270 rupees. So, for the uh, retailers, the cost of the procuring cost will be 1270 rupees, on which retailers they will add their profit, like for example 100 rupees. So, uh, the uh, price for retailer would be 1370 rupees, on which he will pay tax. Tax on what? Tax on 100 rupees. So, 100 rupees ka tax kitna टेन परसेंट दैट इज रुपीज एंड रिटेल नहीं लगाया हमने सिर्फ जितनी वैल्यू एडिशन हुई है इन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिर्फ उस वैल्यू एडिशन में वीपुट टैक्स तो कस्टमर्स के लिए यह ईजी होता है पे करना Now, we will discuss the components of GST. What are different components of GST or types of GST we can say? So, we have CGST, we have SGST or UTGST, and IGST. CGST is Central Goods and Services Tax. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स वैन टैक्स इज प्योरली लिवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट वैन टैक्स इज प्योरली एडमिनिस्टर्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रूल करती है उसे एडमिनिस्टर करती है दैट टैक्स इज नोन एज सी जी एस टी टैक्स एस जी एस टी टैक्स मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड यू टी जी एस टी टैक्स इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टेट गुड्स एंड टैक्स टैक्स इज प्योरली

पूरे इंडिया के लिए वी हैव ओनली वन सी जी एस टी बट वी हैव मल्टीपल एस जी एस टी मीन्स फॉर एवरी स्टेट्स वी हैव सेपरेट एस जी एस टी एक्ट एंड फॉर एवरी यूनियन टेरिटरीज वी हैव सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बट वी हैव ओनली वन सी जी एस टी फॉर द होल ऑफ इंडिया नेक्स्ट वन इज द आई जी एस टी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस वन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स जब वैन वी सप्लाई वेन वी ट्रांसफर गुड्स फ्राम वन स्टेट टू द अदर स्टेट आई जी एस टी इज एप्लीकेबल जब हम गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांसफर करते हैं तो फिर आई जी एस टी एप्लीकेबल होती है एंड आई जी एस टी इज लिवाइड बाई देंट्रल गवर्नमेंट हाउ एवर इट विल भी अपोर्शन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आई जी एस टी क्या होता है इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड लिवाइड बाई देंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आई जी एस टी आई जी एस टी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लिबाइक करती है लेकिन आफ्टर दैट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द Uh, now if we talk about the tax rates we have different tax rates under gst that have been revised time to time but there's are a tax rate and you can revise time to time that we will discuss in the separate video now here we have completed the meaning the scope like uh, the different components of gst here and i hope you like my video if you like my video please click the like button and don't forget to subscribe it thank you so much